सीक्वेंशियल एम्ब्रियो ट्रांसफर, उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा है, मीन्स सीक्वेंस में, मीन्स एक पर एक। इसमें हम क्या करते हैं कि दो बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं एक पेशेंट के आईवीएफ साइकिल में। ऑब्वियसली जब आप दो बार एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो तो जो आप एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो उसके कंपैरिजन में सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ जाता है। इस केस में पेशेंट का पहले हम डे टू या डे थ्री एम्ब्रियो डालते हैं और फिर सेम पेशेंट में हम ब्लास्टोसिस्ट मतलब डे फाइव का ट्रांसफर करते हैं। दो बार ट्रांसफर मिलने से सक्सेस रेट बढ़ने के चांसेस हाई होते हैं। पेशेंट को उसमें एंग्शियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो पहला एम्ब्रियो डाला था और जो अभी दूसरा डाल रही हैं वो किस तरह से डालेंगी, वो उसको हटा तो नहीं देंगी, वो उसको चोट तो नहीं पहुँचाएंगी, इसकी वजह से बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, इस तरह की कोई भी बात नहीं होती है। ये यूजुअली पेशेंट्स जिनके बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर होते हैं, आईवीएफ फेल होते हैं, उनमें हम रिकमेंड करते हैं सिक्वेंशियल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए। पर जो पेशेंट्स फ्रेश साइकिल भी आईवीएफ करा रहे हैं, अगर उनके पास अंडे ज़्यादा हैं, एम्ब्रियो ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो अपने में सीक्वेंशियल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसका भी कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल आता है एंड वो पेशेंट इजीली अफोर्ड कर पाता है एक आईवीएफ साइकिल में। हम रखें आपका ख्याल।